नमस्कार, मैं निशा सीबीआई मेडिकल सेंटर में काफी सालों से काम कर रही हूँ। आज मैं आपको शुगर के बारे में बताऊंगी। शुगर क्या होता है? शुगर हम दो प्रकार से चेक कर सकते हैं। एक वेन में ब्लड लेके लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, और एक हम ग्लूकोमीटर के थ्रू प्रिकर के साथ घर में भी कर सकते हैं। शुगर दो प्रकार की होती है, एक जन्म से हो जाती है और एक उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ शुगर के लक्षण। इसमें भूख ज्यादा लगती है, थकावट महसूस होती है, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीपी भी बढ़ सकता है, और किडनी प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्ट्रोक प्रॉब्लम भी हो सकता है, और नसों में ब्लॉकेज भी हो सकती है। शुगर की प्रॉब्लम हो जाए तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमें खाली पेट नहीं रहना चाहिए और ना ही ज्यादा हमें खाना खाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी दो दो घंटे के बाद हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। दवाई समय पर लेनी चाहिए। शुगर है क्या? हमारे शरीर में पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाना कम कर दे या बंद कर दे, तब शुगर की प्रॉब्लम होती है। शुगर को हम कब कब चेक कर सकते हैं? एक शुगर हम खाली पेट चेक करते हैं, जिसे फास्टिंग कहते हैं, और एक शुगर हम खाना खाने के बाद चेक करते हैं, जिसे रैंडम कहा जाता है। एक शुगर को हम खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, उसे पीपी कहा जाता है। एक शुगर को हम 3 महीने वाला लेवल चेक करने के लिए करते हैं, उसे HbA1c। हमारे पास घर में एक शुगर किट होनी चाहिए, ये मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। इसमें एक ग्लूकोमीटर होता है, एक प्रिकर होता है, नीडल होती है, ड्राई स्वैब और स्पिरिट स्वैब होता है, स्ट्रिप्स होती हैं जिसे हम शुगर चेक करते हैं। जो स्वैब्स हैं ये स्टरलाइज हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुगर कैसे चेक करी जाती है। चेक करने का तरीका पेशेंट में बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक स्पिरिट स्वैब लेंगे और उससे हम पेशेंट की फिंगर को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करके उसे ड्राई होने देंगे और स्वैब को हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिंगर ड्राई हो रही है तब तक हम अपना सामान तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रिकर यूज करेंगे। प्रिकर को हम इसके अंदर सेट करेंगे और इसका ऊपर का डॉट निकाल के इसे हम सेट कर देंगे। इसके बाद हम ग्लूकोमीटर में हम एक स्ट्रिप डालेंगे। और इसमें हम अपना कोड जो है वो मैच करेंगे। उसके बाद हम पेशेंट के उस फिंगर में प्रिक देंगे जो हमने स्टरलाइज करी है। और उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो ब्लड होगा वो हम स्ट्रिप में टच करेंगे हल्का सा। टच करने के बाद हम एक ड्राई स्वैब लेंगे और पेशेंट की फिंगर को प्रेस कर देंगे। अब पेशेंट की जो शुगर है वो ग्लूकोमीटर में 100 हो गई है। और अब हम इसको स्ट्रिप्स को निकाल के और पेशेंट से ड्राई स्वैब लेके इसे डिस्कार्ड कर देंगे। ये शुगर चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जो आप घर में भी आसानी से कर सकते हो। आपको मेरे तरीका समझ आ गया होगा। थैंक यू।